हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी कि गुलदावली की कटिंग कैसे लगाई जाती है। ये मेरा प्लांट है गुलदावली का, जो कि सर्दी में इसमें बहुत सारे फ्लावर आ रहे थे और तब से मैंने इनको अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। तो बारिश का इंतज़ार था कि जब बारिश होने लगेगी तब इसकी कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि बारिश में इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से चल जाती है। तो आज मैं इसकी कटिंग लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे इसकी कटिंग लगाई जाती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिससे दी गई जानकारी समझ में आ सके। इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर सर्दियों में खिलते हैं, और एक बार इसका फ्लावर जब खिल जाता है तो करीब एक महीने तक वो खिला रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसको लगाने के लिए किसी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, मैं करीबन ये 6-7 इंच का पॉट है और इसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है। तो इसको लगाने के लिए 6-7 इंच, 8 इंच, 10 इंच जितना भी बड़ा पॉट हो या छोटा पॉट हो, सब में ये अच्छे से सर्वाइव हो जाता है। तो इसको ज़रूर आप ऐड कीजिए अपने गार्डन में। अगर इसमें जब फ्लावरिंग नहीं रहती है तो भी इसका प्लांट हरा भरा घना सा बहुत देखने में खूबसूरत लगता है, और फ्लावर जब आ जाते हैं तो एक ही साथ इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, पूरा गमला जो है फूलों से भर जाता है। तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। तो अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग तोड़ लूँगी इस तरह से, और ये देखिए इस इतने पर से आपको कटिंग तोड़नी है। इसमें ना तो ज़्यादा बड़ी कटिंग लेनी है और ना ही ज़्यादा छोटी कटिंग लीजिए। कम से कम 6-7 पत्तियाँ हो, जितनी बड़ी मैं तोड़ रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी कटिंग आप लगाइए। ये बहुत इजली ग्रो हो जाती है, बहुत अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। और इस तरह से इस समय आप कटिंग लगाएंगे तो आपका प्लांट जो पुराना प्लांट है वो भी घना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब इसकी कटिंग हो जा रही है तो नीचे से नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी, तो इससे जो पुराना प्लांट है वो भी घना हो जाएगा। और ये देखिए, इतनी कटिंग हमने ले ली है, अब हम इसको लगाएंगे। और इसकी जो पत्तियां हैं, जितना ज़मीन में हमको दबाना है उतनी पत्तियां आप तोड़ दीजिए। 3-4 पत्ती नीचे से निकाल दीजिए और ऊपर की पत्तियां रहने दीजिए, क्योंकि ये पत्तियां जब ज़मीन में दबेंगी तो सूखने लगेंगी तो वो फंगस पैदा कर देंगी। इसलिए जो जितने ज़मीन में दबाना है उन पत्तियों को आप तोड़ दीजिए। और पत्तियों को तोड़ते समय ध्यान रखिए, इसमें जो छोटी छोटी ब्रांचेज बन रही हैं उनको आप मत तोड़िए, बस सिर्फ पत्तियों को तोड़िए, उनमें जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उनको मत तोड़ना। तो इस तरह से इतनी पत्तियां हटा देनी है। अब हमने पत्तियों को तोड़ लिया है, अब हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, ये इतना आपको ज़मीन में दबाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं दबाना होता है। और अब हम इतना इतना इसको इस तरह से सीधा सीधा गाड़ देना है, इसको तिरछा नहीं गाड़ना है, बस इतना इतना इसको ज़मीन में दबा देना है। बस आप इसको ज़्यादा नहीं, 1 इंच की दूरी पर, 1 या 2 इंच की दूरी पर रखिए, ज़्यादा दूर दूर मत रखिए, बस पास पास लगाइए इसको, इससे आपका प्लांट जो है वो घना रहेगा। एक पॉट में आप 4-5 प्लांट लगाइए, 4-5 कटिंग। और अब इसमें पानी डाल दीजिए, और पानी इतना डाल दीजिए कि 2-3 दिन इसमें पानी ना डालना पड़े। वैसे बारिश हो रही है, बारिश में तो ऐसे इसको पानी मिलेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और इसको अब आप थोड़ा शेड एरिया में रख दीजिए, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो मैं यहाँ पे कुछ कटिंग लगा के रखी हूँ और यहीं रख दूँगी, यहाँ पे तेज़ धूप नहीं आती है, यहाँ सुबह की करीबन 1 या 2 घंटे की धूप आती है, तो मैं यहीं पे इसको रख दूँगी।
और इधर और कुछ कटिंग मैं लगा के रखी हूँ वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए कुछ कटिंग हमने एक हफ्ते पहले लगा लिया है और इसमें एक प्लांट में रूट्स भी बनी हुई है, मैं निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें एक ही हफ्ते में इसमें देखिए कितनी रूट्स तैयार हो गई हैं। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से आप लोग लगाइए तो आपकी गुलदावली की कटिंग सूखेगी नहीं और इजली लग जाएगी। ये देखिए मतलब अभी ज़्यादा तो रूट्स नहीं बनी है लेकिन हाँ रूट्स इसमें बनी हुई है। और ये करीबन एक हफ्ते पहले मैंने लगाया हुआ था और इसमें अच्छी रूटिंग हुई है तो मैं इसी में फिर इसको लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए एक ही हफ्ते में मेरी सारी कटिंग लग के तैयार हो गई है। जितनी भी कटिंग मैं लगाई थी मेरी सारी कटिंग लग के तैयार हो गई है। इस सारे प्लांट में जो है अब रूट्स बन गए हैं। तो आप दो चार छः पॉट में एक ही साथ लगा लीजिए जिससे इसमें जब फ्लावर खिलेंगे तो एक ही साथ कलर में खिलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। कई कलर में अगर रहेंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है इसकी कटिंग लगाने का, तो आप बिना देरी किए लगा लीजिए इसकी कटिंग। दो तीन महीने बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सर्दी की शुरुआत होगी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको लगाने के लिए मैं मिट्टी की बात करूं तो इसमें वन पार्ट मिट्टी और वन पार्ट रेत मिलाइए। दोनों को एक में मिक्स करके उसमें आप कटिंग लगाइए तो कटिंग ज़रूर चल जाती है। और देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पॉट में मैं डिब्बे हैं जो कि प्लास्टिक के, उसमें कटिंग लगाई हुई है वो भी अभी तक हरी हैं। इसको मैंने छुपा के रखा है थोड़ा शेड में कि मतलब प्लांट के नीचे रखा है जिससे ये सूखे ना। तो इस तरह आप कटिंग को लगा के थोड़ा शेड एरिया में रखिए जिससे वो सूखने ना पाए, डायरेक्ट सनलाइट में आप मत रखिए। तो कैसी लगी वीडियो में दी हुई जानकारी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियो शेयर करती हूँ प्लांट से रिलेटेड कि किस तरह से उसको लगाया जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।